बगा साहब, मॉर्निंग सर, थैंक यू समय निकालने के लिए। सर, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से हमने देखा अमेरिकी बाजारों में एक जोश आया है, एक तेजी आई है, क्या माना जाए? अगले हफ्ते की जो पॉलिसी है उसमें कटौती देखने को मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो यूएस मार्केट्स की चाल अब यहां से कैसे दिख रही है? जी नेहा जी, अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा, बेसिकली पॉज एक्सटेंड होगा 13 दिसंबर को, और पावल चेयरमैन फेड की जो वक्तव्य भी आया फ्राइडे को, उन्होंने यही कहा कि इतनी जल्दीबाजी मत करिए सोचने का कि रेट कट्स हैं, बट मार्केट यही फैक्टर इन कर रहे हैं कि मार्च से जून के बीच में पहला रेट कट आ जाता है और अगले दिसंबर तक 4 से 5 रेट कट आ जाएंगे। ओवरऑल थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लोडाउन है अगले साल, सॉफ्ट लैंडिंग है, बट रेट कट बिना इकोनॉमी में बहुत कुछ गड़बड़ हुए आएंगे, ये मार्केट का सबसे बड़ा बेट चल रहा है, और इसके चलते हम देख रहे हैं डॉलर नीचे गया, बॉन्ड यील्ड्स उनके नीचे गए, और जब यील्ड्स नीचे जाते हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर नीचे जा रहा है, और आपकी फ्यूचर अर्निंग्स ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ते हैं, वही हो रहा है यूएस मार्केट्स में। तो एक सेंटा क्लॉज रैली क्रिसमस के अंदर आती हुई हमें बिल्कुल दिख रही है, और उससे इमर्जिंग मार्केट्स को भी बेनिफिट होगा, हमारे मार्केट को भी बेनिफिट होगा कि और फ्लोज आएंगे, जैसे डॉलर वीक होता है इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आते हैं, और हम देखते हैं कि एफआईआई खरीदारी करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, उससे भारत को भी जरूर फायदा होने वाला है। ओके, धन्यवाद सर हमारे साथ मंडे मॉर्निंग जुड़ने के लिए और बताने के लिए अब क्या यहाँ से एक्सपेक्ट करना है तो क्लियर